प्राग ऐतिहासिक इतिहास के कालखंड के संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों पर, अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल का एक महत्वपूर्ण कालखंड उस अवस्था से जुड़ा हुआ है जिसमें मानव ने पाषाण औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग किया था, क्योंकि तांबा ही वह प्रथम धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया। और क्योंकि तांबा जो धातु है वह लचीला होता है, इसलिए उसमें कठोरपन न होने के कारण कई बार वह अच्छे औजारों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होता है। तो यही कारण रहा है कि तांबे के औजारों के साथ साथ मानव ने पाषाण औजारों का भी प्रयोग किया। इसलिए इस काल को हम ताम्रपाषाण काल के रूप में जानते हैं। ताम्रपाषाण काल का आरंभ विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल का अंत होते होते आरंभ हो गया था। जैसे ही नवपाषाण युग का अंत हुआ तो मानव ने धीरे धीरे धातुओं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, क्योंकि सर्वप्रथम मानव ने तांबे का ही प्रयोग किया। इसलिए इस प्रकार की संस्कृतियों में जिनमें तांबे के उपकरणों के साथ साथ पत्थर, अर्थात पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग किया गया, उन्हें हम ताम्रपाषाणिक और अंग्रेजी में कहेंगे कैल्कोलिथिक संस्कृतियां कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। भारत के संदर्भ में हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यद्यपि विश्व संदर्भ में पाषाण काल के काल क्रमानुसार नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आया और तत्पश्चात कांस्य काल, अर्थात पहले ताम्रपाषाण संस्कृति आई और फिर कांस्य युगीन संस्कृति आई, किंतु भारत के संदर्भ में यह तथ्य तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा संस्कृति पहले आती है जो कि एक कांस्य युगीन संस्कृति है, किंतु ताम्रपाषाण संस्कृतियां बाद में आती हैं। अर्थात भारत के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो कांस्य युगीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, वह कालक्रम में पहले आती है और जो ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं वह कालक्रम में बाद में आती हैं। इसका कारण यह है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी वह अपनी विकसित अवस्था में पहुंच चुकी थी और हड़प्पा के लोगों ने इतना धात्विक दृष्टि से या तकनीकी दृष्टि से इतना विकास कर लिया था कि वह एक सुनियोजित ढंग से स्थापित नगरीय सभ्यता थी और इसी कारण वह सभ्यता कई क्षेत्रों में, चाहे वो धातु के प्रयोग के क्षेत्र में हो, चाहे वो वैज्ञानिक तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो नगरों को बसाने में और सुनियोजित जल निकास प्रणाली में हो, कई क्षेत्रों में वह आगे बढ़ गई थी। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आज भी विश्व के कई भागों में वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग इतना अधिक हो चुका है कि वहाँ के लोग विज्ञान के क्षेत्र में कई आगे बढ़ गए हैं।
उदाहरणार्थ आज अगर हम सेल फोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो मोबाइल की जो तकनीकी है या इसके साथ जो भी कंप्यूटर की जो नई जो पीढ़ियां हैं, जो न्यू जनरेशन के कंप्यूटर हैं, वह काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण हैं। और जिन क्षेत्रों में लोग इन तकनीकी से वाकिफ हैं, इन तकनीकियों से परिचित हैं, वे अच्छी तरह इनका प्रयोग जानते हैं। किंतु विश्व में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अब भी कंप्यूटर की एडवांस टेक्नोलॉजी का इतना अधिक प्रयोग नहीं हुआ है। यद्यपि हम समान कालखंड में, समान आधुनिक युग में जी रहे हैं, परंतु अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो विश्व के कई क्षेत्र आज भी जो सेलफोन या कंप्यूटर या अन्य जो नई नई तकनीकियां हैं, इनसे परिचित नहीं हैं। अर्थात इन वैज्ञानिक आविष्कारों से या इन वैज्ञानिक तकनीकियों से में वे लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह हड़प्पा संस्कृति भी थी, जो कि अपनी तकनीकी और धातु के प्रयोग में आगे बढ़ चुकी थी, और जो कि ताम्रपाषाण जो संस्कृतियां थी वो उनसे पीछे रह गई थी, मतलब उनके बाद। अर्थात हड़प्पा में जब कांस्य युग आ गया तो भारत के कई क्षेत्रों में ताम्रपाषाण अवस्था में कई क्षेत्रों के लोग रह रहे थे, जबकि हड़प्पा के लोग ताम्रपाषाण काल को पार करके कांस्य युग में पहुंच चुके थे। उदाहरणार्थ हम समझ सकते हैं कि कई दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी, जैसे हमारे उत्तराखंड में कई दूरस्थ क्षेत्रों के जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, संभवतः हो सकता है उन्होंने ट्रेन या अन्य जो तकनीकी है उस तकनीकी को नहीं देखा होगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आधुनिक युग में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो रहा है, हो रहा है, किंतु कुछ क्षेत्र उससे अछूते हैं। यही स्थिति हड़प्पा संस्कृति में कांसे के प्रयोग की तथा कुछ क्षेत्रों में ताम्रपाषाण जो संस्कृतियां बाद तक वो अस्तित्व में रही और बाद में उनका काल क्रम आता है, उसका कारण यही है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग अपने तकनीकी ज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके थे, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में जो लोग रह रहे थे वो उसके बाद भी ताम्रपाषाण संस्कृतियों में जीवन यापन कर रहे थे, वो ताम्रपाषाण काल में जी रहे थे। भारत में जो ताम्रपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। ये संस्कृतियां इन क्षेत्रों में मिली हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो महत्वपूर्ण स्थान हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के, वे हैं अहाड़ और गिलुंद। इसको हम अहार भी कह रहे हैं, और अहार और गिलुंद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसके अलावा गणेश्वर, जोधपुरा भी इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यद्यपि गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति नवपाषाण काल से भी किसी तरह जुड़ी हुई है, परंतु गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति में भी तांबे की जो वस्तुएं थी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में मालवा, एरन और कैथा से ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन्हें मालवा संस्कृति, एरन संस्कृति या कैथा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि ताम्रपाषाणकालीन जो स्थल हैं उन्हीं स्थलों के नाम पर वहाँ की जो संस्कृति विकसित हुई उस संस्कृति को उन्हीं स्थलों के नाम पर पुकारा जाता है। इसीलिए जैसे आहार संस्कृति, गिलुंद संस्कृति या गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति, मालवा संस्कृति, एरन और कैथा संस्कृति, इसी कारण इनको ये नाम दिया जाता है, क्योंकि जिन स्थानों से ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं उन्हें वही नाम दिया गया।
जैसे महाराष्ट्र में अहमदनगर में जुर्वे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक के महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। इसी तरह दक्षिण पूर्वी भारत से भी कई स्थान ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के मिले हैं। और जैसे मैंने कहा कि नाम के आधार पर ही इन्हें ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कहा जाता है, जैसे जोरवी संस्कृति, दैमाबाद संस्कृति, तो इसी आधार पर हम इनका अध्ययन करना चाहेंगे। जो इस संस्कृति जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वह अलग अलग रही हैं। जो राजस्थान में जो आहाड़ और गिलुंद संस्कृति प्राप्त हुई है, तो आहाड़ संस्कृति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ पर तांबे का प्रयोग बड़ी मात्रा में प्राचीन काल से होता रहा है, क्योंकि आहाड़ का प्राचीन नाम तामोती भी कहा जाता है। तामोती अर्थात तांबा वाली जगह। आहाड़ संस्कृति का कालखंड 2100 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक रखा जा सकता है। इसी तरह गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था और गिलुंद में तांबे के टुकड़े बड़े पैमाने पर मिले हैं। गिलुंद में एक पत्थर का जो फलक, पत्थर फलक अर्थात प्रस्तर, पत्थर के जो औजार बनाए जाते हैं फलक युक्त, ऐसे औजार बनाने का एक उद्योग भी गिलुंद में मिला है। इसी तरह महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली से सपाट आयताकार तांबे के जो कुल्हाड़े हैं वे पाई गई हैं। साथ ही साथ चंदौली में तांबे की छेनी भी प्राप्त हुई है, क्योंकि जो ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ रही हैं, इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों के साथ साथ पत्थर के हथियारों का भी प्रयोग करते थे और इनमें पत्थर के फलक और फलकों का बड़ी संख्या में उन्होंने प्रयोग किया था। साथ ही साथ तांबे की कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, बसूले आदि भी ये लोग प्रयोग करते थे। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन ये लोग बनाते थे और इन बर्तनों का एक प्रकार से काले व लाल रंग के बर्तन इस काल में बहुतायत से प्रयुक्त किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति पाई गई है, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों में मिट्टी के टोंटीदार बर्तन, गोड़ीदार तस्तरियाँ, गोड़ीदार कटोरे, इनका प्रयोग भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। साथ ही साथ ये जो मृदभांड थे इन पे चित्र भी बनाए जाते थे। ताम्रपाषाण का इन लोग मुख्यतः गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस पालते थे और शिकार के लिए हिरण का भी शिकार करते थे। कई स्थानों पर ऊंट के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इस संस्कृति में जो पश्चिम भारत के जो लोग थे, अर्थात पश्चिमी भारत में जो संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं, इन संस्कृतियों के लोग मुख्यतः गेहूं और जौ की खेती करते थे और पूर्वी भारत में जैसे बिहार या अन्य क्षेत्रों में जो संस्कृतियाँ मिली हैं वहाँ के लोग बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन करते थे। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता में देखने को मिलती है। इसके अलावा बाजरे की खेती, मसूर, उड़द, मूंग और मटर भी इन क्षेत्रों में उगाया जाता था। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लोग यद्यपि पकी ईंटों से परिचित नहीं थे, अर्थात ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लोग पकाई ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, परंतु कच्ची ईंटों का प्रयोग कई बार देखने को मिलता है। यद्यपि बाद के समय में, या हम ये कहें कि जब ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति अपनी समाप्ति की ओर थी, तब कई स्थानों पर यदा कदा पक्की ईंटें भी प्राप्त हुई, जैसे गिलुंद में 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, परंतु यह इस संस्कृति के काल का अंतिम चरण था। अधिकांश तो कच्ची ईंटों से ही ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लोग घर बनाते थे। घरों में एक प्रकार से छप्पर जैसे बनाते थे।
और उसे घास फूस से आच्छादित कर देती थी। कई स्थानों पर बहुमुखी चूल्हे भी जो हैं इस संस्कृति में उपलब्ध हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि खाना बनाने में ये लोग किस प्रकार बहुमुखी चूल्हों का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार जो इस संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनमें जैसे मैंने कहा था गणेश्वर जोधपुरा जो संस्कृति थी, यह संस्कृति राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से में केंद्रित थी। इस संस्कृति से जुड़े लगभग 80 से अधिक स्थानों की अब तक खोज हो चुकी है। मूल रूप से यह संस्कृति सीकर जिले से लेकर जयपुर और झुंझुन जिलों में फैली हुई थी। इस संस्कृति के केंद्रीकरण का जो मुख्य उद्देश्य था ताम्र अयस्क, अर्थात जिन क्षेत्रों में तांबा बड़ी मात्रा में निकाला जाता था उन्हीं क्षेत्रों में यह संस्कृति विकसित हुई। इस तरह इस संस्कृति का जो है ताम्र अयस्क से जुड़े जो स्थान थे बालेश्वर खेतड़ी, इनसे इनका जुड़ाव रहा है। साथ ही साथ यह संस्कृति आहार संस्कृति से भी जुड़ी हुई थी। आहार अंग्रेजी में हो गया, अन्यथा इसे आहार संस्कृति ही कहा जाता है। यद्यपि जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, इस संस्कृति में तांबे को गलाने के साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले हैं, परंतु गणेश्वर से बड़ी संख्या में तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में तांबे की वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता था। दूसरा, गणेश्वर से तांबे का निर्यात भी किया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि जो प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग निश्चित ही गणेश्वर से तांबे का आयात करते थे। इसी तरह राजस्थान में आहार, जिसे हम आहार कह रहे हैं, और बनास संस्कृति भी जो क्षेत्र में अस्तित्व में थी, जो आहार संस्कृति थी, आहार संस्कृति में जो मकान बनाए जाते थे, मकान की दीवारें कच्ची ईंटों की, परंतु जो उसका बेस था, जो मकानों का आधार होता था, वह पत्थरों से बनाया जाता था। दीवारों को मजबूती देने के लिए बांस की बनी जालियों और क्वार्ट्ज के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि आहार संस्कृति में जो घरों की छतें थी वो ढलाव लिए ढालदार होती थी। साथ ही साथ जो मैंने अभी बताया था कि बहुमुखी चूल्हों का प्रयोग भी आहार संस्कृति में देखा गया है, और यहाँ से तांबे की अंगूठी, चूड़ियाँ, चाकू, कुलाड़ी आदि बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसी तरह जो अन्य स्थल आहार संस्कृति से जुड़े हुए गिलुंद और बालाथल, इनसे भी विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे बालाथल से बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें नील गाय, चौसिंघा, काला हिरण, मुर्गा, मोर, कछुआ, मछली और घोंघा आदि शामिल हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि बालाथल के लोग इन पशुओं का शिकार करते थे। इसी तरह जो मालवा संस्कृति है, मालवा क्षेत्र में से जो अवशेष मिले हैं, उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि मालवा क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण स्थल थे, जैसे कैथा, एरन और मालवा, तो कैथा संस्कृति में जो लोग थे वे लोग चाक पर बने मजबूत और उत्कृष्ट मृदभांडों का प्रयोग करते थे। अर्थात कैथा संस्कृति के लोग अच्छी उत्तम प्रकार के मृदभांड बनाना जानते थे। साथ ही साथ कैथा संस्कृति के लोग पशुओं को भी पालतू पशुओं जो पालते थे उनमें घोड़े की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कैथा संस्कृति के लोग घोड़ों को भी पालते थे। कैथा संस्कृति के लोगों के जो घर थे वह मिट्टी व घास फूस के बने
होती थी। साथ ही साथ ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये लोग कछुई का शिकार बड़े पैमाने पर करते थे। तांबे की यहाँ से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे ब्लेड, नोक या छेनी, बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, कुल्हाड़ियाँ, और यहाँ तक कि तांबे आभूषण भी कालिथा से प्राप्त हुए हैं। लगभग 28 तांबे की चूड़ियाँ दो घड़ों से इस क्षेत्र में मिले हैं। साथ ही साथ मनके और अन्य वस्तुएं भी कालिथा से प्राप्त हुई हैं। इसी तरह जो पश्चिमी दक्कन क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो मैंने अभी बताया कि दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में क्षेत्र था दैमाबाद, तो इस दैमाबाद क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण एक संस्कृति रही है, सवालदा संस्कृति। उसके अवशेष दैमाबाद से भी प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति में जो लोग थे वे बहुकक्षीय मकानों का प्रयोग करते थे, साथ ही साथ भंडारण के लिए भी अन्नागारों का प्रयोग करते थे। गेहूं, दाल, चना आदि का ये उत्पादन करते थे। इसी तरह मध्य गंगा भाग में भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें कोल्डी हवा, महासागर, कुंझुन, लोहरादेव आदि क्षेत्रों में इस काल की जो संस्कृति थी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, इसके अवशेष मिले हैं। इनमें कई अवशेष जो हैं चिरांद, सिनवार, छेछर, कुतुबपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं, उनकी जो अन्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे और साथ ही साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करते थे। तांबे की वस्तुओं का प्रयोग इस क्षेत्र के लोग बड़े पैमाने पर करते थे। जैसे मैंने कहा था पहले भी कि आहार का पुराना नाम तांबोती था, जिससे स्पष्ट होता है कि ये लोग तांबे का बड़ी मात्रा में प्रयोग करते थे। धीरे धीरे ये संस्कृतियां समाप्त हो गई। इसका कारण यह भी माना जाता है कि ये तकनीकी ज्ञान का ज्यादा लाभ नहीं उठा सके, ज्यादा फायदा नहीं उठा ले सके, जिस कारण ये पिछड़ गए और धीरे धीरे ये सभ्यताएं नष्ट हो गई। इस तरह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हमें ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं।